नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ तीश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। स्नातक में दाखिले को लेकर छात्रों का फूटा आक्रोश, ताला तोड़कर कुलपति सचिवालय के सामने जमकर किया प्रदर्शन। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती को लेकर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 11 सूत्री मांगों को लेकर निकाय कर्मचारी 5 सितंबर से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल, शहर में गहरा सकता है पेयजल संकट। वर्ल्ड मॉस्किटो डे को लेकर आईएमए ने लोगों को किया जागरूक, मच्छरों के प्रकोप से बचने की दी जानकारी। और पीरपैंती में ट्रेन की चपेट में आकर 22 वर्षीय युवक की हुई मौत, घटनास्थल पर उमड़ी लोगों की भीड़। और अब खबरें विस्तार से। स्नातक पार्ट वन में दाखिले को लेकर छात्रों ने मंगलवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में जमकर हंगामा किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल 3 चयन सूची जारी होने के बाद भी करीब 34,000 सीटें खाली रह जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑन स्पॉट आवेदन और दाखिले की प्रक्रिया अपनाई थी। इसके तहत 16 से 18 अगस्त तक ऑनलाइन नामांकन लिया गया, लेकिन फिर भी त्रुटि के कारण स्नातक में सीटें खाली रह गई और छात्र नामांकन होने की प्रतीक्षा करते रहे। वहीं ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया से नाराज छात्रों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह और प्रॉक्टर प्रोफेसर बिलक्षण रविदास ने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने और धरना पर बैठ गए। इसके बाद आक्रोशित छात्रों ने कुलपति सचिवालय के सामने वाली ग्रिल का ताला तोड़कर कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा के चैम्बर में जबरन घुस गए और नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की मांग करने लगे। ऑनलाइन स्पोर्ट का नामांकन जो हो रहा है उसमें घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार है, उसको लेके हम लोग यही चाहते हैं कि ऑन स्पोर्ट का नामांकन कॉलेज स्तर पर किया जाए और कॉलेज को यह अथॉरिटी दिया जाए कि वो जो है लिस्ट अपने से निकाले और मेघावी सूची में ना, और कोई भी सब्जेक्ट में लोग अपना अपना एडमिशन ले सकते हैं। वहीं कुलपति ने छात्रों को बताया कि राजभवन के निर्देश पर ऑनलाइन एडमिशन लिया जा रहा है। वार्ता के दौरान कुछ छात्र नेता मुंगेर विश्वविद्यालय की तर्ज पर पहले आओ पहले पाओ दाखिले की मांग पर अड़ गए। इसके बाद कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा ने कहा कि 21 से 28 अगस्त तक नामांकन पोर्टल खोल दिया जाएगा, जिसमें फ्रेशर छात्र भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही छात्रों को विषय बदलने और एडिट का ऑप्शन भी दिया जाएगा। वहीं ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया से गुस्साए छात्रों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कम है, ऑनलाइन ही अच्छा होना चाहिए और अभी 21 से 28 तक का डेट कर दिया गया है, पोर्टल सब खुला रहेगा, उसमें बच्चे सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की 75वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को भागलपुर के दीपनगर स्थित कांग्रेस भवन में युवा कांग्रेस की ओर से रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काफी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया और सभी लोगों से भी रक्तदान करने की बात कही। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित आनंद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत में आईटी एवं डिजिटल क्रांति के जनक थे, जिसके कारण आज भारत पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी युवाओं के आदर्श है और इनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर युवा एवं देश आगे बढ़ेगा। इससे पूर्व कांग्रेस भवन में राजीव गांधी के चित्र पर कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर विपिन बिहारी यादव, सुमित कुमार शाह, विजय आनंद चौधरी, शाहिद हुसैन समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। 75वीं जयंती है, उसके अवसर पर जिला युवा कांग्रेस द्वारा फल वितरण कार्यक्रम किया गया सदर अस्पताल में, फिर पुष्पांजलि सभा था कांग्रेस ऑफिस में, अभी रक्तदान शिविर चल रहा है जिसमें युवा आकर रक्तदान कर रहे हैं और राजीव जी को याद कर रहे हैं। वहीं भागलपुर के नया बाजार स्थित मदन लाल कन्या मध्य विद्यालय में राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। कांग्रेस जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सारिक खान के नेतृत्व में कांग्रेस एवं NSUI कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर रणवीर शर्मा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
भागलपुर नगर निगम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। निगम कर्मियों के हड़ताल पर जाने से शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी, साथ ही आम लोगों को पेयजल संकट से भी जूझना पड़ेगा। दरअसल 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर में 4 सितंबर को निकाय कर्मचारी मशाल जुलूस निकालेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के राज्य सचिव मनोज कृष्ण सहाय ने कहा कि सरकार निजीकरण पर रोक लगाए और वर्षों से दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे कर्मियों की सेवा नियमित करें, नहीं तो प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। हम आपको बता दें कि निकाय कर्मचारी 20 अगस्त से ही हड़ताल पर जाने की तैयारी में थे, लेकिन इसी बीच नगर विकास मंत्री से वार्ता होने और आश्वासन मिलने पर आंदोलन की तिथि बढ़ा दी गई है। हमारा एक 11 सूत्री मांग है, जिसमें हम लोगों ने 4/6/2019 को दिया था मेमोरेंडम नगर विकास मंत्री को और मुख्यमंत्री को। उसमें यह हमारा निर्णय था कि हम 19 तारीख को मशाल जुलूस पूरे बिहार में निकालेंगे और 20 को अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा। 11 सूत्री मांगों में सबसे प्रमुख मांग है निजीकरण पर पूर्णतः रोक लगाई जाए और जो वर्षों से मानदेय और दैनिक मजदूरी इत्यादि पर हैं उन्हें नियमित किया जाए। मानदेय और नियमित कर्मियों को कम से कम 18,000 रुपये मासिक वेतन भुगतान 600 रुपया प्रतिदिन के दर से किया जाए। वर्ल्ड मॉस्किटो डे के अवसर पर मंगलवार को भागलपुर के IMA हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार IMA एकेडमी के संयोजक सह अध्यक्ष डॉक्टर DP सिंह, IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर मृत्युंजय चौधरी, डॉक्टर शांतनु कुमार घोष, डॉक्टर SP सिंह एवं डॉक्टर अमिताभ सिंह ने मच्छर से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया और इससे बचाव के लिए किए जाने वाले सभी आवश्यक उपायों की भी चिकित्सकों ने विस्तारपूर्वक जानकारी दी। डॉक्टर DP सिंह ने कहा कि भागलपुर में भी मच्छर की काफी तादाद है और यह मच्छर कई प्रकार की बीमारियों का कारण है। इससे बचाव के लिए सबसे पहले हमें खुद के जीवन शैली और तौर तरीके में सुधार करना होगा, तभी हम मच्छर से होने वाली बीमारियों से बच सकेंगे। उन्होंने कहा कि मच्छर नहीं काटे, इससे बचने के लिए शरीर को पूरा ढककर रखना चाहिए और हमेशा फुल बाजू के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि वर्षा के मौसम में मच्छर की संख्या काफी बढ़ जाती है और अब तो गर्मी और ठंड के मौसम में भी गंदगी के कारण मच्छर काफी परेशान करते हैं। इससे बचाव के लिए सबसे पहले अपनी ओर से सतर्कता बरतनी होगी, जिससे बीमारियों की चपेट में आने से बचा जा सके। साथ ही कहा कि फोगिंग, ब्लीचिंग पाउडर समेत कई ऐसे उपाय हैं जिसके छिड़काव करने से मच्छर से बचा जा सकता है। इसके अलावा अन्य सभी डॉक्टरों ने भी मच्छर से होने वाली बीमारी के बारे में बताया और इसे स्वास्थ्य के लिए घातक बताया। और भी कई घातक बीमारियां जिसके बारे में हमारे मित्र लोग चर्चा करेंगे कि मलेरिया के अलावा हमारी भागलपुर में एंडेमिक प्रॉब्लम फैलिया था, जब मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को इस समय ज़्यादा बच के रहना चाहिए, तो हम लोग प्रयास यही करते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में बताएं। प्रशासन से भी हम लोगों ने कहा, ये उन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि फॉगिंग जो होता है वो इफेक्टिव होता है सही किया जाए तो, और अपने स्तर पर तो हम लोग यही कर सकते हैं कि मच्छर भगाने वाला ओडोमॉस या सब मिलता है वो लगा के बचे मच्छर से। पीरपैंती रेलवे स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान पीरपैंती के मानिकपुर निवासी 22 वर्षीय राजा कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान लोगों ने मृतक का छत बिछत अवस्था में शव देखा, जिसके बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मौके पर पहुंची रेल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक राजा रक्षाबंधन के दिन घर से राखी बंधवाकर निकला था, लेकिन वह लौट कर नहीं आया। मृतक 9 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर था और मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क TV।
ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के घोगा थाना क्षेत्र छोटी ओलपुरा गांव में धार्मिक स्थल की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष की ओर से 3 राउंड गोलियां फायर की गई। गोली चलते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। उसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी के घर को घेर लिया। घटना के बाद गांव में तनाव उत्पन्न हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष शंभू कुमार पासवान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गोलीबारी के आरोपी प्रेम यादव, लालू यादव और विपिन कुमार को ग्रामीणों के चुंगुल से छुड़ाकर हिरासत में लिया। दरअसल मामला घोगा स्थित कुसुम बाबा स्थान के नाम पर कब्जा की गई जमीन से जुड़ा है। आरोपी प्रेम यादव के अनुसार वह जमीन उसके पूर्वजों की संपत्ति है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक स्थल सार्वजनिक संपत्ति है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। भागलपुर के हुसैनपुर स्थित मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान कार्यालय में मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय महासचिव सलीम सुगंध ने कहा कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र न सिर्फ एक नेता थे बल्कि विद्वान और महान दार्शनिक थे। उन्होंने गरीबों, मजलूमों के साथ समाज के हर तबके के लोगों के लिए कार्य किया और समाज और राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मोहम्मद तकी जावेद, एम जफरउल्ला, साहिद अख्तर, नीरज कुमार, सत्य प्रकाश झा, ओमनाथ भारती समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। गोड्डा के पथरगामा में नवविवाहिता महिला की गला दबाकर हत्या कर उसके शव को खेत में फेंक दिया। मंगलवार की सुबह जब ग्रामीण खेत पहुंचे तो शव को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद घटना की सूचना पथरगामा पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक महिला की पहचान तारडिया गांव निवासी सुरेंद्र मुर्मू की 16 वर्षीय पुत्री सुचिता मुर्मू के रूप में हुई है। घटना को लेकर परिजनों ने कहा कि सुचिता की शादी 1.5 वर्ष पूर्व चिलकारा बिंदपुर पंचायत के कमलडीहा गांव निवासी मनोज मरांडी के साथ हुई थी। दोनों के बीच कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। सोमवार की रात अचानक मृतका घर से गायब हो गई, जिसके बाद काफी खोजबीन की गई। सुबह ग्रामीणों ने खेत में शव के होने की बात कही। वहीं पथरगामा थाना अध्यक्ष तपन कुमार पानीग्रही ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह भागलपुर विधानसभा प्रभारी अमरदीप शाह के नेतृत्व में भाजपा संगठन सदस्यता अभियान रथ का उद्घाटन बूढ़ानाथ मंदिर में जिला अध्यक्ष रोहित पांडे एवं विजय मित्रा मंडल अध्यक्ष सुधीर भगत ने संयुक्त रूप से भाजपा का झंडा दिखाकर किया। सदस्यता रथ का नेतृत्व करते हुए अमरदीप शाह ने कहा कि रथ भागलपुर विधानसभा के सभी 51 वार्डों में भ्रमण कर लोगों को भाजपा से जोड़कर उनको भी देश के विकास में भागीदारी बनाएगी। इस दौरान निरंजन शाह, किरण सिंह, रोशन सिंह, संजीव गुप्ता, विधुबाला देवी, रोहित जीवन, परमानंद, मनीष दास सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कहलगांव अनुमंडल के इकचारी भोलसर गांव में कुछ दिन पूर्व गैस सिलेंडर विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए थे। एक माह बीत जाने के बाद भी मृतक के परिजनों को सहायता राशि नहीं मिली है। मंगलवार को गांधी युवा मंच के सदस्यों ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। मंच के अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि अगर जल्द जिला प्रशासन पीड़ित परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध नहीं कराती है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर धनंजय पंडित, फौजी विनोद यादव सहित काफी संख्या में मंच के कार्यकर्ता मौजूद थे। तो मैं जाकर जो है पुनः एक बार स्थानीय प्रशासन को कह रहा हूं कि पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा मुहैया कराएं, जो जाके जख्मी है उनकी भी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था कराएं, नहीं तो हम गांधी युवा मंच चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, इसके लिए स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार होंगे। भागलपुर बीएन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर को हटाने की मांग को लेकर 3 छात्र पिछले 1 सप्ताह से अनशन पर हैं। वहीं अनशनकारी छात्रों की हालत बिगड़ने के बाद मंगलवार को छात्र उग्र हो गए और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कुलपति कक्ष के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 24 घंटे के भीतर प्राचार्य को हटाने की मांग की। वहीं हंगामा बढ़ता देख कॉलेज इंस्पेक्टर ऑफ साइंस प्रोफेसर सरोज कुमार ने छात्रों को शांत कराया और कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन मामले की जाँच कर रहा है। आश्वासन मिलने के बाद सभी छात्र अनशन स्थल पर चले गए और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की बात कही। विद्यार्थी से 160 रुपए इंटर में नामांकन फॉर्म के रूप में 160 रुपए अवैध रूप से लिया। दूसरा है कि छात्र संघ पे हमला करवाया, बाहरी और सामाजिक तत्व को बुलाकर बीएन कॉलेज छात्र संघ पे हमला करवाया। तीसरा मांग है कि छात्र संघ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋषुराज को जाति सूचक गाली भद्दी भद्दी दिया। चौथा है कि पेड़ कटाई किया गया, उनके द्वारा 4-5 उनके आदेशानुसार महाविद्यालय के 4-5 पेड़ काटा गया। और पांचवा जो है छात्र संघ कार्यालय देने में, छात्र संघ एक जगह ना बैठ पाए इसलिए छात्र संघ कार्यालय देने में 3-4 माह देरी क्यों किया गया, ये इसके लिए हम लोग सिर्फ जांच करने बोले हैं। प्रचार को बर्खास्त करना तो दूर की बात है, प्रचार को निलंबित करना तो दूर की बात है, आके बैठना छात्र अनशन में बैठे पदाधिकारी से बात तक करना विश्वविद्यालय नहीं समझ आता। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पेंशनर शिक्षक और कर्मचारियों को जल्द ही वेतन का भुगतान हो सकता है। दरअसल पिछले 2 माह से वेतन भुगतान नहीं होने से कर्मचारियों को काफी परेशानी हो रही है। वेतन भुगतान को लेकर विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर SD झा ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर जून और जुलाई माह की बकाया राशि सभी कर्मियों के बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। भाजपा की ओर से चलाए जा रहे देशव्यापी सदस्यता अभियान के तहत मंगलवार को कटोरिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान चलाया। जिला सदस्यता प्रभारी रंजीत यादव ने कहा कि पार्टी की ओर से पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जिसको लेकर समाज के हर एक वर्ग के लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस मौके पर महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर निक्की हेम्बर्म, पुनीता सिंह, डॉली गुप्ता, विश्वजीत झा, मिथिलेश सिंह सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्नातक में दाखिले को लेकर छात्रों का फूटा आक्रोश, ताला तोड़कर कुलपति सचिवालय के सामने जमकर किया प्रदर्शन। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती को लेकर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 11 सूत्री मांगों को लेकर निकाय कर्मचारी 5 सितंबर से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल, शहर में गहरा सकता है पेयजल संकट। वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे को लेकर IMA ने लोगों को किया जागरूक, मच्छरों के प्रकोप से बचने की दी जानकारी। और पीरपैंती में ट्रेन की चपेट में आकर 22 वर्षीय युवक की हुई मौत, घटनास्थल पर उमड़ी लोगों की भीड़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।